कर दिया था। तो सफाई चल रही है, लुक व्लॉग लंबा गया तो शायद छोड़ दूँ उसे, और फिर फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अभी मीनाक्षी सो रही थी तो मैंने कहा कि लाओ उनके लिए ब्लॉग रिकॉर्ड कर दूं और साथ में उनके लिए एक अच्छी सी चाय पिला दूं, तो उसकी मैंने प्रिपरेशन कर ली है। चाय की क्या प्रिपरेशन होगी, बस दूध निकाल लिया है और बस अब बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं उनके लिए चाय बनाता हूं, फिर आगे का ब्लॉग वो कंटिन्यू करेंगी। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने चाय रख दी है और मैं सुबह 5:30 बजे उठ गया था और ये लोग तो अभी सो रहे हैं, तक्ष और मीनाक्षी, और मैं फिर मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करने लगा। और ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेरी क्लास चल रही थी और अभी मानसून क्रॉक्स चल रहा है केरला में। मानसून क्रॉक्स एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो मानसून जब आता है तो बारिश जब होती है तो फ्रॉक्स जो मेढक हैं उनकी प्रजातियां काफ़ी सारी नष्ट होने लगती हैं, उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है क्योंकि उनके जो हैबिटेट हैं, उनके जो आवास हैं वो नष्ट होने लगते हैं। तो इसके लिए क्रॉक्स चलाया गया है। दुनिया भर में करीब 41% जो फ्रॉक्स हैं उनको IUCN, जो एक रेड लिस्ट होती है IUCN की, उसने रेड लिस्ट में डाल रखा है। और अभी केरला में क्रॉक्स इसलिए चल रहा है क्योंकि केरला में भी यही स्थिति है कि फ्रॉक्स काफ़ी नष्ट हो रहे हैं और फ्रॉक्स हमारे पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण जीव माना जाता है क्योंकि मेढक जो है हमारे वातावरण की स्थिति बताता है, एक संकेतक के रूप में जाना जाता है, हमने पढ़ाई था जीव विज्ञान में। ठीक है, फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स चाय बन के तैयार हो चुकी है और मैं दिखाता हूँ आपके लिए, और मीनाक्षी भी आ गई। देखिए ये चाय, मुझे प्लेट नहीं मिली तो मैंने इसी में रख दी है। और जी जी, आप अपनी ब्लॉगर से बात कर लीजिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज तो हस्बैंड ने भी चाय बना ली वैसे तो हमेशा उठा के बोलते हैं प्लीज़ चाय बना दो मेरे लिए, लेकिन थैंक यू सो मच आपके। और चलो चाय इंजॉय करते हैं। आप सभी ने पी ली क्या? नहीं पी हो तो आ जाए, कर दिया था। तो सफाई चल रही है, हम लोग सफाई कर रहे हैं आज घर की। आप लोग भी अपने घर की सफाई कर लीजिए। अच्छा, क्यों, वो लोग क्या सफाई नहीं करते होंगे? तो हम लोग सफाई नहीं करते हैं। आप तो विद प्रूफ दे रहे हो। ये देखो आपके लिए, सुन रहे हो, ये लो, ये आपके लिए। थैंक यू। बस फ्रेंड्स आपके लिए भी है ये। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं साफ सफाई क्योंकि काफी दिन से, मतलब ज्यादा नहीं, डस्ट वगैरह साफ करना है, थोड़ी जो डीप क्लीनिंग होती है वो वाली। तो फिलहाल अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू क्योंकि फैन वगैरह साफ किए थे हस्बैंड जी ने यहाँ पर। तो चलिए अब मैं जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, आगे क्या करना है वो देख सोचने के बाद में। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ किचन में और अब भी तो बनाना है खाने, खाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है आज मैं कहीं मार्केट वगैरह नहीं कर रही हूँ, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। मम्मी, ओके बेटा, ओके डन, अभी हाँ देते हैं। दे, ओके दे रही हूँ क्योंकि डिपेंड करेगा मार्केट जाना मौसम के ऊपर, अभी तो मौसम खिल चुका है देखिए। हाँ बेटा आई, तो इसलिए और सबसे पहले बोलते हैं ग्रेवी की तैयारी है, तो पहले इन्हें भिगो देती हूँ क्योंकि मैं ना डायरेक्ट अगर पीस लेती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा रह जाता है। हालांकि मैं काजू करी बनाने वाली थी लेकिन नहीं बनाऊंगी, मटर पनीर बना लेती हूँ। पनीर मैंने शाम ही बना लिया था तो अभी फिलहाल काजू भिगो के रख देती हूँ। तो यहाँ फिलहाल काजू मैंने भिगो दिए हैं और पता है अन्य ये ऊपर वाली मैं सोच रही हूँ सही करने की, ठीक करने की, क्योंकि सारे डिब्बे मैंने बाहर नीचे रख दिए हैं
देखते हैं अभी क्या करते हैं। फिलहाल तो मुझे बेडशीट भी धुलनी है, बहुत सारा काम करना है। थैंक गॉड रिटिन हस्बैंड जी ने काफी हेल्प करा दी मेरी, ऐसे पति भगवान सबको दे और मुझे जरूर दे। हाँ बेटा चलिए, अब हस्बैंड जी तैयार हो रहे हैं, उनकी पहले हेल्प कर देती हूँ, उसके बाद में यहाँ की तैयारी शुरू करूंगी। हाँ हे गाइस, तो फिलहाल मैं तैयारी कर रही हूँ मसाले की, और यहाँ पर मैंने टमाटर ले ली है। हाँ बेटा अन्य तक्ष का दिल नहीं लग रहा बिल्कुल भी, न टीवी देख रहे हैं, न कुछ खा पी रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं सोच रही हूँ इसे भी जल्दी से अच्छे से और ट्रेडिशनल टाइप से बनाऊंगी, मतलब कि कोशिश करूंगी कि थोड़ा हैवी टाइप से बनाऊँ अच्छा सा। वैसे तो मैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी कभी कभी ऐसे ही बना के रख देती हूँ। फिलहाल ये जल्दी जल्दी रफली चॉप कर लेती हूँ। और ये देखिए मटर की तो ये हालत हो रही है, मैं इसे निकालूं कैसे, ये तो पूरी बर्फ जमी हुई है। ये आइसक्रीम है फिलहाल, ये तो निकलेगा भी नहीं, अब मुझे बंद करना पड़ेगा लगता है फ्रिज। हे गाइस, तो ये मटर की आइसक्रीम बन गई है, रेडी, मतलब टमाटर वगैरह गल गए हैं, पास से खाती हूं आपको। देखिए गल गए ना, तो अब हम डाल देंगे इसमें मसाले। मैंने ना ढक के पकाया था ताकि ये अच्छे से बन जाए। तो फिलहाल इसमें सबसे पहले डालूंगी मिर्ची, थोड़ा तीखा भी रखना है और थोड़ा मीठा भी रखना है। हरी मिर्ची भी डाली है इसलिए ध्यान रखना। फिर हल्दी, धनिया पाउडर, उसके बाद डालेंगे ये है सब्जी मसाला है, और उसके बाद डालेंगे गरम मसाला। हालांकि खड़े मसाले डाले थे, थोड़ा सा डालती हूँ, ज्यादा नहीं, गरम मसाले ज्यादा नहीं। हाँ बेटा खाना खिलाए, बच्चों को ना खुशबू आ रही है ना, तो वो बार बार आ जा रहे हैं खाना खाने। अभी खिलाते हैं, ओके? अभी ना अच्छे से पक जाएंगे, मतलब मसाले ना बहुत अच्छे से भुन जाते हैं, तो मुझे ये अच्छे लगते हैं इस टाइप से। अभी नमक नहीं डाली है मैंने, और पकने देती। उस टाइम में तक्ष आ गए थे, तो अब मैं देखती हूँ, मैंने फ्रिज बंद कर दिया था ताकि ये निकल सके आराम से, और ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, और नहीं निकली तो क्या होगा। बिल्कुल नहीं उठ रही है, मैं डिफॉस्ट कर देती हूँ उसको, शायद इससे कुछ हो, शायद। तो चलिए यहाँ मसाला भी बन चुका है, ये देखिए। अब डाल देते हैं इसमें आलू, बेटा।
ओके अब इसे कर देते हैं गैस बंद और इसे ठंडा होने रख देते हैं। मसाला हो गया है यहाँ ठंडा, अब मैं इसे पीस लूंगी। हालांकि ज्यादा ठंडा नहीं हुआ है, तब पता है अगर इंतजार करती रहेगी ना तो बस इसी काम के लिए रह जाऊंगी। ठीक है आप ठंडा कर लेना, स्पेशली आपके लिए शेयर कर देंगे ये रेसिपी। बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे और फिलहाल यहाँ पर चल रही है एक और गैस, यहाँ मैं बना रही हूँ घी भी साथ में ही। पूरी घी खत्म हो गया, मेरे हस्बैंड को बिना घी के तो ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो फिलहाल इसमें मैंने वापस से तेल लगा दिया है और कश्मीरी मिर्च डाल के मसाला भी डाल। लग रहा है ना टेस्टी टेस्टी, पर अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है इसमें। इतनी जद्दोजहद के बाद देखो ये निकल के आएगी। तो इसे धो देंगे फिलहाल सादा पानी में, अभी नहीं निकलेगा। और इस टाइम पे ना मुझे इतना गंदा लगता है ना ये, जब मसाला कूद कूद के ऊपर गिरता है। और फिर मैंने मटर भी मिक्स कर दी इसमें, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरा कैमरा ऑन नहीं है, तो बस इसमें अभी हमने मटर ही मिलाई है। थोड़ी देर बाद हम पनीर कट करके डालेंगे, तो इसे थोड़ी देर पकने देंगे, ढक के रख देते हैं। जब तक मटर पक रही है तब तक हम निकाल लेते हैं पनीर। मैंने कल ही रात बनाया था ये, पता है सोच रही थी जब से पहले हस्बैंड ये बोले कि मुझे पनीर भुर्जी खिला दो मैं इसको चेंज कर देती हूँ। हालांकि मैंने इसे कपड़े में नहीं बांधा तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा पूरा। बबल्स फूटते हैं ना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हर बार मैं जल जाती हूँ। मसाला पका हुआ है तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे पनीर डाल देंगे। ये देखिए अभी पता है इसमें और भी सारी चीज़ें पड़ेंगी, क्या पड़ेंगी चलिए बताती हूँ। ओह माय गॉड ये तो नीचे से लग रहा है। हाँ घंटूर, अब इसमें डालूंगी चीनी। चीनी क्यों डाली पता है ना, काफ़ी लोग तो जानते होंगे मुझसे अच्छी बनाते होंगे, लेकिन हाँ बेटा बाप रे मेरे बच्चे को आज बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा है कि मम्मी खाना बना लें तब मान लें।
बार बार कह रहा है मम्मी दे दो प्लीज दे दो। तो अभी फिलहाल फिर से ढक देती हूँ, चीनी गलेगी और तब तक मैं मलाई फेंट लेती हूँ। यहाँ घी भी तैयार हो गया, देखिए हो गया ना। तो हमारा खाना बन के हो गया रेडी, आई मीन सब्जी। और इसको लास्ट टचअप देते हुए इसमें डालेंगे हम क्रीम। ये मेरी घर वाली क्रीम है जो कि हम लोग घी बनाने के लिए दूध से निकालते हैं भैया, तो मैंने उसी को फेंट लिया था। और इससे क्या होता है, कलर भी अच्छा हो जाता है ना, थोड़ा मिल्की फ्लेवर आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ ये हो गई है रेडी बन के, अब इसे जल्दी से निकाल लेते हैं। थोड़ा सा घुमाऊँगी बस, दही नहीं डाला क्योंकि हस्बैंड जी को पसंद नहीं है, वरना मैं दही वगैरह भी डालती हूँ, वो यहाँ इसके पे अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये मेरी थी आज की रेसिपी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।